24 और अभी हम लोग आ गए हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पटना कार्यालय में। हम आपको बता दें कि लगातार यहां से आह्वान और बिहार के पूरे बिहार वासियों को सीधा यहां से जो यहां के अध्यक्ष है वो भी अपील कर रहे हैं। बिहार के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह भी साफ कह रहे हैं क्या कि 5 तारीख गोगामरी स्मृति संकल्प को लेकर के हमेशा पटना कार्यालय महानगर कार्यालय उपेंद्र सिंह जो पटना महानगर अध्यक्ष है वो बार बार अपील भी कर रहे हैं। और महिला महानगर अध्यक्ष पूनम सिंह यहाँ कार्यालय में आई है, इनसे आज हम बात करेंगे गोगामरी स्मृति संकल्प लेकर के बिहार वासियों को क्या आप संदेश देंगे। जी नमस्ते मैम। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महानगर महिला अध्यक्ष पूनम सिंह। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामरी का मूर्ति अनावरण 5 दिसंबर 2024 को उनके निवास गोगामरी में होगा। सभी प्रदेश व राजस्थान प्रदेश के सभी पदाधिकारी व करणी सैनिकों को उपस्थित होनी अनिवार्य है। 5 दिसंबर को चले गोगामरी प्रथम पुण्य तिथि पर और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हों। जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। का नाम से थोड़ा जय जयकार हो जाए। न्यूज 24 और अभी हम लोग आ गए हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पटना कार्यालय में। हम आपको बता दें कि लगातार यहां से आह्वान और बिहार के पूरे बिहार वासियों को सीधा यहां से जो यहां के अध्यक्ष है वो भी अपील कर रहे हैं। बिहार के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह भी साफ कह रहे हैं क्या कि 5 तारीख गोगामरी स्मृति संकल्प को लेकर के हमेशा पटना कार्यालय महानगर कार्यालय उपेंद्र सिंह जो पटना महानगर अध्यक्ष है वो बार बार अपील भी कर रहे हैं। और महिला महानगर अध्यक्ष पूनम सिंह यहाँ कार्यालय में आई है, इनसे आज हम बात करेंगे गोगामरी स्मृति संकल्प लेकर के बिहार वासियों को क्या आप संदेश देंगे। जी नमस्ते मैम। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महानगर महिला अध्यक्ष पूनम सिंह। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामरी का मूर्ति अनावरण 5 दिसंबर 2024 को उनके निवास गोगामरी में होगा। सभी प्रदेश व राजस्थान प्रदेश के सभी पदाधिकारी व करणी सैनिकों को उपस्थित होनी अनिवार्य है। 5 दिसंबर को चले गोगामरी प्रथम पुण्य तिथि पर और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हों। जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। का नाम से थोड़ा जय जयकार हो जाए। गोगामरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाभी सा हम लोग आपके साथ। गोगामरी अमर रहे, गोगामरी अमर रहे, गोगामरी अमर रहे, भाभी सा आपके साथ, भाभी सा आपके साथ। चलिए लगातार आप देखिए कि पटना कार्यालय महानगर कार्यालय से डायरेक्ट अपील किया जा रहा है कि बिहार में जितने भी जैसे क्या है कि बिहार में जितने भी करणी सेना सैनिक है, जितने भी करणी सेना सैनिक हैं उनसे एक ही अपील है कि आप श्री सुखदेव सिंह गोगामरी स्मृति संकल्प में जितना ज्यादा से ज्यादा बिहार के जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है जाइए, जाना जरूरी है। करणी सैनिकों को एक अपील है। और महिला पटना महानगर महिला अध्यक्ष ने साफ अपील कर दिया, पूनम सिंह ने साफ कर दिया। अब हम बात करेंगे पटना महानगर कार्यालय से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खास, और खास हम बता दें उपेंद्र सिंह से हम बात करेंगे क्या कि गोगामरी स्मृति संकल्प को लेकर के सर क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर, अब बहुत कम समय बच गया है 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर का जो समय होगा
हम लोगों के लिए पूरे देश प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सीख लेने की जरूरत है। वो 5 दिसंबर का जो समय है बहुत करीब आ गया है और मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे देश एवं अन्य प्रांतों से भी कि सभी दल बल के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग हरेक भाई बंधु मित्र सभी गोगा मेरी राजस्थान पहुंचने का कष्ट करें। 5 दिसंबर को मूर्ति अपने अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी का मूर्ति का अनावरण भी होना है और 5 दिसंबर को उनकी श्रद्धांजलि सभा भी है। चलिए, जय भवानी जय भवानी। अच्छा जी बताएं सर, 5 दिसंबर का जो दिन होगा वो दिन बहुत ही यादगार दिन होगा और इसके लिए हम लोग शासन प्रशासन सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ये जो अमर शहीद दादा सुखदेव सिंह गोगा मेरी जो थे अपने समाज का ही काम नहीं करते थे, पूरे विंग को 3600 कौम को लेकर के चलने वाले लोग थे और इन्होंने अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए ये दिन भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं अपने कार्यकारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह भाभी साहब से उम्मीद करेंगे जिस तरह से दादा अपने आवाजों को हरेक कौम के लिए उठाते थे उसी तरह आप अपने आवाज को पूरे देश एवं विदेश प्रदेश हर प्रांतों में अपनी आवाज को उठाएं और भ्रमण करते हुए पूरे देशवासियों को अपना संदेश दें। इसी के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष महानगर पटना बिहार और साथ ही साथ आप लोगों को फिर से दोबारा आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में काफी संख्या में अपने दोस्त मित्र बंधु सभी को जाने के लिए प्रेरित करें और जाए ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आत्मा को शांति मिले। जय भवानी। चलिए सीधा हमारे साथ पटना महानगर उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह साहब यहाँ साफ शब्दों में कह दिए क्या कि श्री सुखदेव सिंह गोगा मरी स्मृति संकल्प लेकर के 5 दिसंबर को वहां पर समझिए कि क्या है कि प्रोग्राम के बारे में विस्तार से मैं आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है अमर शहीद ठाकुर सुखदेव सिंह गोगा मरी का बलिदान हमारी प्रेरणा हमारा सम्मान प्रातः ये समय प्रातः 11 बजे स्थान जवाहर नगर 9DPN गोगा मरी के पास आपको पहुंचना है और वहां पर समझिए कि शिला सुखदेव सिंह गोगा मरी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। तो हम यही अपील करेंगे कि श्री सुखदेव सिंह गोगा मरी स्मृति संकल्प में जितना ज्यादा से ज्यादा बिहार से जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन भारत न्यूज 24।